परम सम्मानित मंच एवं प्यारे साथियों, मैं दो घटनाओं के माध्यम से अपनी बात कहने की कोशिश करूंगा। ये गुजरात के राजकोट में रहने वाली एक स्कूल अध्यापिका जयश्री बेन के जीवन की कहानी है। दुनिया की हर माँ की तरह उस माँ ने भी बहुत से सपने देखे, अपने इकलौते बेटे को खूब पढ़ाया लिखाया, अच्छी तालीम दिलाई, बेटा भी सफल हुआ, प्रोफेसर बन गया, डॉक्टर बहू से शादी हो गई, घर में पैसों की कोई कमी नहीं रही, जीवन में सब कुछ ठीक ही चल रहा था। लेकिन बुरे दिन कुछ ऐसे आए कि बूढ़ी माँ को लकवा मार गया, पैरालिसिस हो गया, हाथ पैरों ने काम करना बंद कर दिया, तो माँ अब बिस्तर पर पड़ी रहने लगी। एक रोज कुछ यूं हुआ बीमारी के दिनों में कि बेटे ने माँ को सहारा देकर खड़ा किया। माँ बड़ी खुश हुई कि मेरा बेटा मेरे बुढ़ापे की लाठी बन रहा है। बेटा माँ को पकड़कर धीरे धीरे सीढ़ियों के सहारे छत पर ले गया। माँ बड़ी खुश हुई कि मेरा बेटा मुझे धूप दिखाने ले जा रहा है। छत पर जाने के कुछ देर बाद बेटे ने अपनी माँ को गोद में उठा लिया। माँ खुशी से भाव विभोर हो गई कि मेरा बेटा जान गया है कि मुझे सीढ़ियों से चढ़ने उतरने में दिक्कत होती है, मेरा बेटा मेरी कितनी फिक्र करता है, मुझसे कितना प्यार करता है। लेकिन उसके बाद उस बेटे ने जो किया, हाथ उठाकर दुआ कीजिए कि दुनिया का कोई भी इंसान वैसा ना करे, उस बेटे ने गोद में उठाकर अपनी माँ को चार मंजिला मकान की छत से नीचे फेंक दिया। बूढ़ी माँ कुछ समझ पाती उससे पहले उसकी जिंदगी खत्म हो गई। चौथी मंजिल से नीचे गिरने में कितना वक्त लगता है, 3-4 सेकंड लगते होंगे। लोगों को लगा कि माँ छत से गिर गई होगी, लेकिन पुलिस पड़ताल और सीसीटीवी फुटेज से 3 महीने बाद पता चला कि माँ मरी नहीं थी, प्रोफेसर बेटे ने मारा था। और पुलिस पूछताछ में प्रोफेसर साहब ने कहा कि मैं माँ की बीमारी से तंग आ गया था और इस आफत से पीछा छुड़ाना चाहता था। इल्म की तासीर जब गुरूर में बदली, बुनियाद रिश्तों की महज दस्तूर में बदली, और बुजुर्गों को फकत आफत समझ बैठी, औलाद आदम की बड़े बेनूर में बदली। 2 महीने की बीमारी से परेशान होकर प्रोफेसर साहब ने 9 महीने तक पेट में रखने वाली माँ को मार डाला। ऐसा ही कुछ मुंबई की आशा साहनी के साथ हुआ। उनके बेटे ने खूब अच्छी तालीम हासिल की, अमेरिका गया, प्रोफेसर बना, लेकिन घर लौटकर नहीं आया। पीछे बूढ़ी माँ इंतजार करते करते एक रोज बिस्तर पर सोते सोते ही मर गई, और उसका जिस्म उसी बिस्तर पर पड़ा पड़ा कंकाल में बदलता रहा। बेटे ने 1.5 साल तक कोई खबर नहीं ली, पर बाद में जब घर लौटकर देखा तो उस बिस्तर पर उन दोनों के रिश्तों की तरह खोखलाए हड्डियों का ढांचा पड़ा था। ऐसा ही कुछ सूरत की चंपाबेन के साथ हुआ, ऐसा ही कुछ इलाहाबाद के कमलेंदु श्रीवास्तव के साथ हुआ, ऐसा ही कुछ इसी शहर के ब्रह्मपुरी में रहने वाले एक बुजुर्ग के साथ हुआ। एक आध घटना हुई होती तो कहा जा सकता था कि उस मनुष्य की मनोवृत्ति में कुछ फर्क रहा होगा, कुछ विकार रहा होगा, लेकिन ऐसी घटनाएं बहुत सामान्य हो चली है, अखबारों में रोज यही खबर है। और इन घटनाओं में एक दुखद समानता यह है कि ये उन घरों में घटित हो रही है जिनमें बच्चों ने बहुत अच्छी तालीम हासिल की है। मुझे आज बोलने के लिए जो विषय दिया गया था वो ये था कि तालीम तो है लेकिन तहजीब कहीं खो गई है। हालांकि पग पग पर इस बात की गवाही मिलती रहती है, लेकिन ये घटनाएं इस बात को पूरी तरह से सिद्ध कर देती है कि तालीम तो है लेकिन तहजीब कहीं खो गई है, शिक्षा तो है लेकिन संस्कार कहीं खो गए हैं, सभ्यता कहीं खो गई है। अब प्रश्न यह उठता है कि ऐसी घटनाएं हो क्यों रही है, तहजीब खो क्यों रही है। दरअसल हम जिस तरह से अपने बच्चों को पालते हैं और उन्हें सिर्फ तालीम देते हैं, उससे बच्चे प्रोफेसर इंजीनियर या डॉक्टर तो बन जाते हैं लेकिन इंसान नहीं बन पाते। स्पष्ट कर दूं कि मैं शिक्षा नीतियों को कोसने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं। दुनिया के हर देश में शिक्षा नीतियां इसी तरह से काम करती है। अकादमिक शिक्षा का संस्कारों से सीधे तौर पर कोई लेना देना नहीं है। संस्कार देने का काम समाज करता है, परिवार करता है, माँ बाप करते हैं, और अगर संस्कार कहीं खो रहे हैं तो इसकी जिम्मेदारी उन्हीं की बनती है। बच्चा संस्कार कहां से सीखता है, घर से ही तो सीखता है। अब पहली बात तो यह कि बच्चों को घर में रखा ही नहीं जाता, और यदि रख भी लिया जाता है तो स्कूल में और घर में कोई फर्क नहीं रखा जाता। हम सब जानते हैं कि संस्कार सिखाने की उम्र में माँ बाप बच्चों को रट्टा मारना सिखा रहे होते हैं, एक रोबोट की तरह, एक मशीन की तरह बच्चों को प्रोग्राम कर रहे होते हैं, और 20-25 साल बाद उस मशीन में रिश्ते, संवेदना, प्यार, सम्मान और संस्कार खोजने लगते हैं, और जब नहीं मिलते हैं तो परेशान होते हैं। तारे जमीन पर फिल्म का वो दृश्य याद कीजिए, माँ बाप बच्चे को बोर्डिंग स्कूल में छोड़कर रवाना हो रहे हैं, बच्चा पल्लू पकड़कर रोता है कि भीड़ में यूं ना छोड़ो मुझे, घर लौटकर भी आना पाऊं, माँ क्या इतना बुरा हूं मैं, माँ क्या इतना बुरा मेरी माँ। माँ बाप फिर भी निष्ठुर होकर चल देते हैं, और जब बाद में बच्चा संवेदनहीन होने लगता है तो बहुत परेशान होते हैं।
मैं ऐसे अनेक युवकों को जानता हूं जिनको उनके माँ बाप ने 7-8 साल की उम्र में घर से दूर अच्छी तालीम हासिल करने के लिए भेज दिया था। हालांकि इस बात में कोई दो राय नहीं कि वो अच्छा भविष्य बना लेंगे, अच्छा करियर बना लेंगे, लेकिन एक चीज जो मैं कई बार महसूस करता हूं वो ये है कि उनका अपने माँ बाप के साथ रिश्ता उतना मजबूत नहीं हो पाया है जितना सामान्यतः होना चाहिए। और यदि उनमें से कोई 20-25 साल बाद अपने माँ बाप को घर से निकाल देता है या वृद्धाश्रम में छोड़कर आ जाता है तो मुझे इस बात से कोई अचरज नहीं होगा। करता था सो क्यों किया, अब कर क्यों पछता है। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। पहले जब प्यार बोया ही नहीं है, सम्मान बोया ही नहीं है, संस्कार बोया ही नहीं है तो उसके मिलने की उम्मीद क्यों करें। खैर मैंने काफी समय ले लिया है, अंत में चलते चलते बस इतना कहना चाहूंगा कि जय श्री बहन तो छत से फेंके जाने के बाद नीचे गिरते वक्त कुछ सोच पाई थी या नहीं सोच पाई थी मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर आपके साथ ऐसा हुआ, भगवान ना करे ऐसा हुआ, तो आप ये जरूर सोचेंगे कि तालीम के साथ तहजीब भी दे दी होती तो इस तरह नहीं बनना पड़ता। और अगर आप इस पश्चाताप के साथ नहीं मरना चाहते हैं तो अपने आने वाली नस्लों को, अपनी पीढ़ियों को, अपनी औलादों को मशीन बनाने के बजाय मनुष्य बनाने की शुरुआत कर दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात करूंगा।